अक्सर विवादों में रहने वाले मेंढर विधानसभा से नेशनल कांग्रेस के विधायक जावेद राणा एक बार फिर से विवादित बयान देकर सुर्खियों में आ गए हैं। उन्होंने भारतीय सुरक्षा एजेंसियों पर सवालिया निशान लगा दिया है। पुंछ के मेंढर सब डिवीजन में आज उन्होंने अपने कार्यालय में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि आज जम्मू कश्मीर के हालात खराब होने का मुख्य कारण देश की सुरक्षा एजेंसियां हैं, जिनकी वजह से कश्मीर में आतंकवाद, पत्थरबाजी, ये सब देश की एजेंसियां करवा रही हैं, जिनकी हुक्मरान आरएसएस है और इन सब का सहयोग कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जम्मू से राही कपूर की रिपोर्ट। कल उन्होंने कहा ये जो बच्चों पे जो बस पे पथराव हुआ, बड़ी दुख की बात है और बड़ी परेशानी की बात है, लेकिन इसको क्रिएट करने वाला कौन है? उन्होंने कहा नहीं, किसी ने कहा कि भाई नहीं, जो जनरल मेजर गगोई की क्या था, उसने जो किया वो कश्मीरियों को करना है, यहाँ हम जो है वो बोली से नहीं गोली से करेंगे। और दूसरी बात ये जो स्टोन पेल्टर्स हैं, ये क्रिएशन किसकी है? ये इन्हीं लोगों की क्रिएशन है। आपने इस वक्त मंत्री हैं हमारे जनरल, क्या नाम है उनका जो यहाँ जनरल रहे, वीके सिंह साहब ने कहा हमने कश्मीर में एक पॉलिटिकल पार्टी बनाने के लिए मैंने पैसा खर्च किया। जो आज से पहले मैं कहता रहा हूँ कि कौन सी पार्टी का लिंक कहाँ है, और जनाब इनको लफाफे कौन देता रहा है? ये सब इनकी क्रिएशन है, ये आरएसएस की क्रिएशन है, ये डिस्टर्बेंस पैदा करने की क्रिएशन है, और यही करवा रहे हैं। इसमें हमारी कुछ एजेंसियां इन्वॉल्व हैं, इस देश की एजेंसियां इसमें इन्वॉल्व हैं। देश का मुसलमान जो है वो पक्का हिंदुस्तानी है, देश के लिए कुर्बानियां दी हैं, देशभक्त है। और मैं ये कहूंगा कि कुछ लोग जो हैं, जिन लोगों ने पाकिस्तान क्रिएट करवाया, जिन लोगों ने इस मुल्क के दो टुकड़े करवाए, जिन लोगों ने महात्मा गांधी का कत्ल किया, वो लोग इस वक्त बरसर इकतदार हैं। और मैं ये कहूंगा कि देश के प्रधानमंत्री साहब को कि आपके ही लोगों ने कश्मीर में इन लोगों को पैदा किया हुआ है, या आपकी पैदावार है।